और अभी आज हमारे यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑक्शन चल रहा है। आज 5 अक्टूबर है, आज से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। टोटल 10 टीम्स है जो सीनियर्स और जूनियर्स मिलकर फॉर्म किए। हर टीम में 5 से 7 लोग हैं और हमें 75 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है। उसमें हमें एक टीम खरीदनी है जो कि 10 पार्टिसिपेटिंग टीम्स है वर्ल्ड कप में, और खुद की टीम भी बनानी है जिसमें मिनिमम 11 प्लेयर्स और मैक्सिमम 14 प्लेयर्स रहेंगे। तो इस 75 करोड़ में हमें सब कुछ एडजस्ट करना है, टीम भी खरीदनी है प्लस प्लेयर्स भी खरीदने हैं, और उनका कुछ रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से। तो अभी तक 3 टीम बिक चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 10 करोड़ 25 लाख में गई, फिर बांग्लादेश 1 करोड़ 50 लाख में, और हमने बाय की है इंडिया जो कि मिली हमको 10 करोड़ 50 लाख में। ये है रवि, निखिल, प्रणीत और एक प्रणीत, गणेश और कृतिका, ये है हमारी टीम। और अभी कौन सी टीम की चल रही है मैं खुद भूल गया, दिस इज़ फॉर इंग्लैंड आई गेस, इंग्लैंड चल रहा है अभी, इन्होंने बीट लगाई है इंग्लैंड के लिए। और अभी नेदरलैंड्स चल रहा है, वो रहे उधर हमारे सीनियर्स, उन्होंने ले ली नेदरलैंड। ओह पाकिस्तान, दिव्यांशु भाई पाकिस्तान आ रही है हमारे, पाकिस्तान की टीम 340, पाकिस्तान इन्होंने ली 460 में, 4 करोड़ 60 लाख। तो अभी टीम्स का ऑक्शन हो चुका है, अभी बैट्समैन का ऑक्शन स्टार्ट होगा। और जो सबसे हाईएस्ट बिड लगी थी वो थी इंडिया के लिए, जिसे हमने खरीदा 10.5 करोड़ में। अभी बचे हुए बजट में हमको 11 से 14 प्लेयर्स खरीदने केन विलियमसन पर 750 चल रहा है, में जा चुका है केन विलियमसन। ये वाली टीम है श्रीलंका, अभी है स्टीव स्मिथ। और अभी रोहित शर्मा पर 10 करोड़ की बिड लगी है, हमने अभी तक एक भी प्लेयर नहीं खरीदा है, ये तीसरा प्लेयर है, अभी देखते हैं। टेन करोड़ में बांग्लादेश में गया रोहित शर्मा। और अभी गेम के लेजेंड आ चुके हैं, 13 करोड़ 50 लाख चल रहा है अभी। सबसे ज्यादा भी इन पर ही लगेंगे ऐसा लग रहा है। अभी इस टीम ने 14 करोड़ लगाई बांग्लादेश। ओह पता नहीं पूरी 11 की 11 प्लेयर्स की टीम बनेगी कि नहीं, लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। ओ भाई साहब, शुभमन गिल अभी कोहली से महंगे बिक रहे हैं। शुभमन गिल 18 विद पाकिस्तान वंस, 18 विद पाकिस्तान ट्वाइस, 18 क्रोर्स विद पाकिस्तान थ्राइस। 18 अब विजन के एंट्री हो है हमारे मीत भाई, अब भी CFA लेवल 1 क्लियर किया उन्होंने। ओ कोहली को क्रॉस कर दिया बाबर आजम ने इस ऑक्शन में। ये तो शुभमन गिल को भी क्रॉस करे ऐसा लग रहा है। प्राइस 16 करोड़ पर बाबर, तो सबसे हाईएस्ट अभी तक शुभमन गिल 17, उसके बाद 16 में बाबर, कोहली 15। अभी विकेट कीपर स्टार्ट हो चुका है पर अभी तक हमने एक भी प्लेयर नहीं लिया है। अभी मुजीबुर रहमान 7.75 करोड़ में गए, अभी तक 10-15 प्लेयर बिक चुके हैं और हमने एक भी प्लेयर नहीं लिया है।
अभी रविचंद्रन अश्विन पे वेट लगी है विद इंग्लैंड ट्वाइस 440 हमारी स्ट्रेटेजी है कि बाकी टीम्स को हम पहले परस्यूज कर लेने देंगे ताकि एंड में फिर उनके पास ज़्यादा पैसे ना बचे और हम अच्छे प्लेयर्स को ले सकें। वैसे कुछ अच्छे प्लेयर्स चले गए लेकिन फिर भी अभी अच्छे प्लेयर्स बचे, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक सारे टीम्स ने इतने पैसे खर्च कर दिए और आप देख सकते हो कि इंडिया अभी तक 64.5 पे हमने एक भी प्लेयर नहीं खरीदा है। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है ऑक्शन स्टार्ट हुए और 20 प्लेयर्स बिक चुके हैं। हम बस एक ही काम कर रहे हैं कि दूसरी टीम्स का बिड बढ़ा रहे और एंड में पीछे हट जा रहे। अभी देखते हैं। अभी है रचिन रविंद्रा का ऑक्शन चल रहा है। हमें लगा हम पहला प्लेयर बाय करेंगे लेकिन अभी वापस काफी ऊपर चले गए शदाब खान थे। अभी तक हमारा पहला प्लेयर नहीं आया, देखते हैं पहला प्लेयर कौन एंट्री करेगा हमारी टीम में। अभी जॉश हेजलवुड चल रहे हैं और अभी तक हमने एक भी प्लेयर नहीं लिया। अभी जॉश हेजलवुड पे 6 लगाए हमने, देखते हैं क्या जॉश हेजलवुड पहले प्लेयर बनेंगे हमारे। अभी हमने हमारा पहला प्लेयर ले लिया 650 में जॉश हेजलवुड। अभी नवीन उलक आए और आप फोटो देख सकते हो, पिछले आईटी में जो झगड़ा हुआ था गूगल पर वही फोटो आ रहा है। और आयरन ही बोल रहे हैं अगर विराट कोहली और ये नवीन उलक की टीम में रहे तो। बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो ब्रेक मिला। अभी बॉलर्स चल रहे हैं, मार्की बॉलर्स यानी जिनका बेस प्राइस हाई रहता है। जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं और करंट सिचुएशन पर्स की ये है हमारी 7.75 सबसे कम पर्स साउथ अफ्रीका ने यूज किया है, उसके बाद फिर हम ही हैं 7.75 जॉस हेजलवुड के साथ। सेकंड बॉलर जो है हमने जसप्रीत बुमराह को लिया 11 करोड़ और अभी साउथ अफ्रीका में चल स्टार पर 11 करोड़ सॉरी 9.75 पर 10 विद बांग्लादेश 10.5 विद ऑस्ट्रेलिया 20 करोड़ बचे उसमें से 11 करोड़ एक प्लेयर पे लगा। 12 ने फाइनली 12 करोड़ में ले लिया। सिराज 9.10 करोड़ चल रहा है मोहम्मद सिराज पर। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 10.5 में खरीदा। अभी शाहीन अफरीदी है पाकिस्तान से। Twice. अभी हमने हमारा तीसरा प्लेयर केएल राहुल लिया है एज अ विकेट कीपर। अफगानिस्तान
Come on, South Africa, come on. Just one more. अभी हमने मिशेल मार्च खरीदा 14.5 सीआर में, हमारा सबसे महंगा प्लेयर अभी तक पांच ही प्लेस लिए हमने और हमारी पर्स जो है वो 19.6 बची है। देखते हैं अभी कैसे होता है, और मिनिमम 6 प्लेस लगेंगे और मैक्सिमम 14 प्लेयर्स ले सकते हैं हम। अभी सर जडेजा चल रहे और अभी ये रही हमारी फाइनल टीम, देखते हैं अभी ये प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। और 5 घंटे बाद ये ऑक्शन ख़त्म हुआ और अभी आज फाइनल है डॉम्स लीग की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल में। दोनों सीनियर टीम्स है, अभी आधे घंटे बाद वो मैच स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे मिलेंगे अभी।